मैं हूं मुदस्सिर शकील और आप देख रहे हैं आरजी वर्ल्ड। और कल पाकिस्तान की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोहम्मद हफीज ने छवलियां मारी है, तो आज हम बात करेंगे उस पे। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे उस चीज पर भी कि कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस हार का सबब बने। तो टाइम जाया करे बगैर चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पाकिस्तान कल सेकंड टेस्ट मैच हार गया और लास्ट 18 रन पर जब पाकिस्तान की 5 विकेट गिरी और इस शर्मनाक हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज आए, तो मोहम्मद हफीज को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हमसे बैटिंग नहीं हुई, हमसे बॉलिंग नहीं हुई। लेकिन मोहम्मद हफीज जो 30 लाख रुपए ले रहे हैं मंथली, उनकी छवलियां चेक करें कि 30 लाख रुपए ले क्यों रहे, उनकी बातें सुने। उन्होंने बोला, इन द एंड हमने दूसरी टीम से बेहतर खेला, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेला। तो भाई हफीज साहब, थोड़ी नींद पूरी करके आ जाया करो। ये मतलब क्या, मतलब किस तरीके की बातें करते हैं यार। नींद वींद में आते, कुछ पी पा के आते, क्या कर करके क्या आते जो ऐसी ऐसी बातें कर देते, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। इसी के साथ साथ आप मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी या ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से बॉलिंग अच्छी, पाकिस्तान से बैटिंग अच्छी, पाकिस्तान से फील्डिंग अच्छी। वो जीते, उन्होंने 2-0 हराए पहली मैच है, 89 पे ऑल आउट करा। आज जो है उन्होंने लास्ट 5 विकेट हाथ में थी, उन्होंने बोला भाई ये पाकिस्तानी ये देंगे, अगर लास्ट 5 विकेट होती और 40 रन भी चाहिए होते ना, तो वो भी तब भी आउट कर देते, और उन्हें आउट करके दिखाया। और हफीज क्या बोल रहे, थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुने, टेक्नोलॉजी, भाई बाहर आ जाओ इस टेक्नोलॉजी से, एक्सेप्ट करो आपके प्लेयर ने कैचेस छोड़े, आपके हाईली रेटेड प्लेयर से 40 रन बने, हाईएस्ट बाबर आजम से 41 रन बने, आपके प्लेयर ने नहीं खेला, आपकी उस तरीके की सिलेक्शन नहीं है, आप नहीं हो इतने दम वाले कि आप हरा दो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। और जब पैट कमिंस से इनका रिव्यू लिया गया, तो पैट कमिंस ने मुस्कुराकर बोल दिया कि भाई इन द एंड ऑफ द डे जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है और हम जीत चुके हैं। तो वो भी ये बोल रहा होगा भाई इनकी टीम ये 12वीं पास जमात पास को ये जो प्रोफेसर बोल देते इनको कौन सीरियस लेगा। तो वो हफीज साहब इन सारी चीज़ों से बाहर आने के बाद जो है टीम पर थोड़ा फोकस कर लें, थोड़ा सा एडमिट करें कि आप हारे हैं और बुरी तरीके से हारे हैं। आपके लास्ट 5 प्लेयर बाउंसर पर आउट हुए, बाउंसर पड़ती है, हमारे प्लेयर्स जो है कांपना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल यू करके, मतलब पता नहीं ऐसा लगता है कि किसी ने गोलियां चला दी इन लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जो बहुत हाईली रेटेड गए और अभी तक वो खेले ही जा रहे और बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले बात करेंगे इमाम की, जो पर्ची कहलाते हो और है ही पर्ची भाई। मेरे ख्याल से इमाम की सेटिंग तो है अपने मामू के साथ, और इन सब के जो ना मेरे ख्याल से डर लगता है इन लोगों को इंजमाम से। वो पता है 1-1.5 साल बाद दोबारा वही आ जाएगा, चीफ सेलेक्टर बन जाएगा, तो इन लोग के तो लाले लगने हैं, इन लोगों को तो फिर पीसी में जगह बननी नहीं है। पीसी में तो एक तो उसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि उससे अच्छी फिटनेस तो मेरी होगी भाई, उससे अच्छी फील्डिंग मैं कर लूंगा ना, उससे डाइव मारी आ रही ना खेले यार, अब प्रोटीन चाहिए उसको, पता नहीं किस बात का। इसी के बाद भाई ये अब्दुल्ला शफीक की फील्डिंग सही करवा दो, उससे बोलो कि भाई ऐसे कैच पकड़ा जाता है, ऐसे कैच नहीं पकड़ा जाता, मतलब किस तरीके की ये लोग फील्डिंग कर रहे हैं भाई, स्लिप से हटा दो उसको, कहीं और रख लो, अच्छा फील्डर है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो कुछ रन भी कर रहा है, लेकिन फील्डर उसकी फील्डिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए उसकी। साथ ही साथ हम बात करेंगे लिंक की, मतलब किंग बाबर आजम की, जिन्होंने साल 2023 में एक भी 50 नहीं करी और 41 उनका हाईएस्ट गया है। जहां जहां पर उनको मैच बनाना था वहां पर उन्होंने बुरी तरीके से जो है वो फ्लॉप होकर दिखाया। तो बाबर आजम पर भी, अब बाबर आजम को इस चीज पर फोकस करना है, ग्रेट में शामिल होना है, तो भाई खेलना तो पड़ेगा, ऐसे नाम तो नहीं चलता जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे अब ग्रेट में नहीं। उसके बाद सऊद शकील, वो भाई छोटा डॉन कहलाते, भाई खेल ले, आप ही की जगह है, आपसे जगह कोई नहीं ले रहा, 20-30 रन नहीं चाहिए भाई, T20 नहीं है कि 20-30 की कैमियो खेलोगे और नीचे आके वाह हो जाएंगे, टेस्ट मैच है, परफॉर्म करो, जगह मिल गई है, जगह पक्की है, आपसे कोई जगह छीन भी नहीं रहा, फवाद आलम की जगह रखा गया है आपको टीम में। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की, एक तो यू डर रहे, ओ भाई डर क्यों रहा है, बाउंसर पड़ी है, साफ समझ जाओ आपको बॉल समझ में नहीं आई, आपकी बॉल कहीं ना कहीं पिक्चर में नजर आ रहा है कि आपकी बॉल ग्लव से टकराई है, आउट हो गए आप, लेकिन ये जो एम्पायर कॉल जो है कभी उनकी तरफ जाती है कभी हमारी तरफ आती है, ये तो क्रिकेट का जो है ये अब तो ये गेम बन गया, क्रिकेट में होता ही इसी तरीके से। तो अब रोना धोना है नहीं, वो बंदा पिच से ही नहीं जाने के लिए तैयार था।
लेकिन इसके साथ हम दो तीन प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि अंडर रेटेड रहे हैं सबसे ज़्यादा। एक है सलमान अली आगा, ज़बरदस्त बंदे की बॉलिंग भी कर रहा है, वार्नर को आउट भी कर रहा है, बैटिंग भी बंदा कर रहा है, फील्डिंग तो लाजवाब है। सलमान अली आगा के साथ हम बात करेंगे मीर हमज़ा की, क्या रिदम में बंदे ने बॉल करी है, इन स्विंग आउट स्विंग अंदर बाहर दोनों तरफ से, मतलब मज़ा करा दिया इस बंदे ने, इस तरीके की बॉल करी है। और ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, और वो जो आते हैं 140 150 वाले जिनको लीगों खेलने, उनको साइड करो भाई, अब उनको बोलो आप आओ इधर उधर ही खेलो, आपकी पाकिस्तान टीम में अब जगह नहीं है। शाहीन भी काफी अच्छे रिदम में नजर आए दूसरे टेस्ट मैच में, और शुक्र है शाहीन ने विकेट ली, और अब उम्मीद तो है शाहीन भी अब आगे जाके अच्छा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ शान मसूद पर भी हम बात करेंगे, शान मसूद ने भी अच्छा खेला, और लेकिन कल वो एक लंबी इनिंग कैरी कर सकते थे और इस बात को उन्होंने खुद भी एडमिट करा है। तो शान मसूद भी हमें एक पॉजिटिव टच में नजर आए, काफ़ी टाइम बाद एक कैप्टन हमें ऐसा मिला है जो कि खेल तो रहे थे कम से कम। आमिर जमाल पे भी थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है, अच्छा खेला है, अच्छी जान मारता है, अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग है, तो एक अच्छा ऑलराउंडर बढ़ के सामने आ सकता है। अब देखते हैं 3-0 की जलालत होती है आगे जाके, या पाकिस्तान जो है 2-1 से या 2-0 से हार कर वापसी आता है। और बिल्कुल जाते ही जाते ARG वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।